हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ ही स्टेप से ब्लू ग्रे टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू को कर देंगे हम +28 एंड यहां से टिंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो टिंट की वैल्यू को यहां से करेंगे हम +20 एंड यहां से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहां से कर देंगे हम -14 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे यहां पर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहां से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -10 एंड यहां से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ज्यादा नहीं। इसकी वैल्यू को यहां से कर देंगे हम -6 एंड यहां से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहां से करेंगे हम +12 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहां से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहां से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100 एंड यहां से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +14 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहां से इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर देंगे -100 एंड यहां से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100 एंड यहां से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहां से करेंगे हम +20 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां से जाएंगे हम सेकंड वाले मिड टोन पे, इस वाले ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करेंगे एंड अपने फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी एंड परफेक्ट रूप से अपनी फोटो में इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिलानी है जैसे मैं मिला रहा हूं। ठीक है, तो गाइस, इसकी ह्यू है 214 एंड सेचुरेशन है 21 एंड यहां से नीचे आते हैं एंड यहां से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -20 एंड यहां से ब्लेंडिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहां से करेंगे हम +20 एंड यहां से वायलेंस की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को यहां से करेंगे हम -44 एंड नेक्स्ट जाते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे जो कि है ग्लोबल का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहां से इसकी भी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका भी ह्यू एंड सेचुरेशन को परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करता हूं। तो गाइस, इसकी ह्यू है 210 एंड सेचुरेशन है 49 एंड यहां से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे एंड ऊपर से फाइनली डन कर देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो क्लैरिटी की वैल्यू को यहां से कर देंगे हम +35 एंड यहां से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें एचडीआर इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहां से करते हैं +16 एंड यहां से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो विनेट की वैल्यू को यहां से करेंगे हम -40 एंड यहां से मिड पॉइंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो मिड पॉइंट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूं 8
एंड यहां से फेदर की वैल्यू कर देंगे हम थोड़ा सा इंक्रीज, तो इसे रखते हैं प्लस 60। अब इस फोटो को हम स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं, इसे रखते हैं 10। एंड यहां से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे, ठीक है, तो इसे रखते हैं 21। एंड नीचे आते हैं एंड यहां पर है कलर नॉइस रिडक्शन, एंड यहां से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे, ठीक है। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।